Assalamualaikum, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन. मैं हूँ साइमा पीरजादा एंड यू आर वॉचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन. सो आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं वुमेन सोल्जर्स ऑफ असम रिफल्स. अच्छा, ये बेसिकली इनकी डिप्लॉयमेंट हुई है इन कश्मीर और इनकी ये वीडियो जो है हम देखने वाले हैं आज. और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज के जो वुमेन सोल्जर्स हैं उनके बारे में मुझे कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के थ्रू. एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, स्पेशली फॉर मी, बिकॉज आई एम गोइंग टू वॉच दिस वीडियो एंड जानूंगी इसमें बहुत कुछ अबाउट इंडियन वुमेन सोल्जर्स के बारे में. सो नॉर्मली हमारा इंट्रैक्शन नहीं होता फीमेल सोल्जर्स के साथ, लेकिन यह है कि इनको अब देखेंगे, इनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे. सो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या है जानने के लिए. सो हियर वी गो. एलओसी की चुनौतीपूर्ण ड्यूटी के बाद असम राइफल की महिला सैनिक अब आंतरिक सुरक्षा का मोर्चा भी संभालेंगी. इन महिला सैनिकों ने उत्तरी कश्मीर के तंगधार सेक्टर में नशा तस्करों के खिलाफ अभियानों से लेकर आतंकरोधी ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई. अब ये राइफल वुमेन जांच नाकों पर भी तैनात कर दी गई है. सेना के किलो फोर्स के जीओसी मेजर जनरल एचएस साही ने बताया कि असम राइफल की बटालियन में राइफल वुमेन भी रहती हैं. उन्हें पुरुष सैनिकों की तर्ज पर सभी कार्य करने होते हैं. घाटी में हाल ही में बांदीपुरा और गांधरबल जिले के कंगन में इन महिला सैनिकों को तैनात किया गया है. इन्हें रूटीन चेकिंग और मोबाइल व्हीकल चेक पॉइंट पर पुरुष सैनिकों के साथ तैनाती दी गई है. किसी भी ऑपरेशन के दौरान महिलाओं की मौजूदगी वाले घरों में दाखिल होकर तलाशी लेने के दौरान राइफल वुमेन ने सराहनीय कार्य भी कर लिया है. युवतियों के लिए बनेगी रोल मॉडल. जीओसी ने कहा कि महिला सैनिकों की तैनाती से ड्यूटी को और बेहतर पेशेवर ढंग से करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा सेना की वर्दी पहनने की इच्छुक लड़कियों के लिए राइफल वुमेन एक रोल मॉडल बनेगी. पश्चिम बंगाल की बर्धमान की राइफल वुमेन रेखा कुमारी ने बताया कि घाटी में तैनाती से पहले वो मणिपुर और नागालैंड में भी ड्यूटी दे चुके हैं. कश्मीर आने से पहले शंकाएं थी, लेकिन यहाँ देश की सेवा में आई है. कश्मीर को लेकर गलत धारणाएं हैं जो यहाँ लोगों से मिलकर दूर हो गईं. यहाँ के लोग अच्छे हैं. रेखा ने कहा कि हमें महिलाओं से निपटना है, हमें मानवीय होना होगा ताकि स्थानीय महिलाएं आपका भरोसा कर सके. जम्मू कश्मीर की बेटी है इस दल की कैप्टन. भारतीय सेना में शामिल राइफल वुमेन की तैनाती पहली बार पिछले वर्ष अगस्त में एलओसी के पास की गई थी. ये महिला सैनिक भी असम राइफल दल की हैं. इन्हें डेपुटेशन पर उत्तरी कश्मीर के तंगधार सेक्टर में तैनाती दी गई थी. 30 महिला सैनिकों के दल की कैप्टन गुरसिमरन कौर अगुवाई कर रही है. कैप्टन गुरसिमरन कौर जम्मू कश्मीर की ही बेटी है. उनके परिवार में पिता और दादा भी सेना के पद पर कार्य कर चुके हैं और वो तीसरी पीढ़ी की सैन्य अधिकारी हैं। Myself, राइफल वुमेन ज्योत्सना, मैं यहाँ पे असम राइफल के साथ डिप्लॉयड हूँ. हमारा मेन टास्क ये है कि यहाँ पे जितने भी एंटी मिलिटेंट का टास्क परफॉर्म किए जाते हैं उस दौरान महिलाओं को किसी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो और वो हमारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती हैं. और जस्ट बिकॉज वी आर ऑल्सो लेडीज, इसके वजह से उनको किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो हम इस बात का ख्याल रखते हैं. और हमारे जितने भी यहाँ पे टास्क परफॉर्म किया जाता है वहाँ पर हमारी अहम भूमिका होती है, वहाँ पर हमारी मौजूदगी होती है. और हम इस बात के लिए भी यहाँ की महिलाओं को इंस्पायर करना चाहते हैं ताकि वो भी फौज में भर्ती हो और इसी तरह देश की सेवा करें और हमें देखकर उनको थोड़ी हिम्मत मिले. हमारा मेन मुद्दा यही है कि उनको हमें देख करके हिम्मत मिले. नाम राइफल वुमेन रूपाली, असम राइफल बटालियन से हूँ. हम अभी फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर के गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय है.
हमारा काम है यहाँ की जो बटालियन के द्वारा होने वाले ऑपरेशन में हिस्सा लेना, हमारे जो मेल सोल्जर है उनके साथ कंधे से कंधे मिला के ऑपरेशन में जाना, वहाँ की जो लेडी ऑपरेशन के दौरान जो लेडीज मिलती है उनके साथ बातचीत करना, क्योंकि वो जो मतलब मेल के साथ घुल मिल के बात नहीं कर सकती इसलिए वो हमारे साथ अच्छे से घुल मिल के बात करते हैं। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है हम लोगों को, यहाँ की जो अगाम है हम लोगों से अच्छे से बातचीत कर रही है। हम लोग यहाँ के जो लेडीज है उनको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि वो हमारी तरह फौज ज्वाइन करें, ना ही फौज ज्वाइन करें। बहादुर वुमेन्स हैं यार, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए इन फीमेल्स की जो कि आई हैं यहाँ पर और अपनी जो है वो ड्यूटीज़ जो हैं वो यहाँ पर सर अंजाम दे रही हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग इतनी कोई अच्छे तरीके से जो है वो अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल्स बनकर इतना अच्छा एटीट्यूड लेकर यहाँ पर आई हैं असम से, और इन्होंने ऑलरेडी असम और मतलब दूसरी नॉर्दर्न साइड पे इंडियन नॉर्दर्न साइड पर जो है वो ड्यूटीज़ दी हैं, एंड नाउ ये जो है कश्मीर में आई हैं एंड यहाँ की फीमेल्स जो हैं वो कंफर्टेबल फील कर सकें और उन लोगों को जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड स्पेशली जो वहाँ पर क्राइम्स होते हैं और मोस्टली जो है वो फीमेल्स भी उसमें इंक्लूड होती हैं, तो उनको जो है वो फीमेल्स ही ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि मेल्स को तो मेल जो है वो चेकिंग वगैरह भी नहीं कर सकते। सो उनकी प्रोटेक्शन के लिए और दूसरी जो नॉर्मल फीमेल्स हैं जो इस तरह के मामलात में क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर वो उनके साथ ये फिर ट्रीट करेंगी तो उनको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। और इस तरह से जो फीमेल्स मुजरिम होती हैं स्मगलर्स होती हैं तो उनको भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि मुझे ये फील हो रहा है कि ये इसी वजह से ही यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं इनको कवर कर सकें, कंट्रोल कर सकें, और जो फीमेल्स के थ्रू जो काम उल्टा पुल्टा हो रहा होता है उन चीज़ों को भी ये लोग कंट्रोल करके जो है वो हर चीज़ को मैनेज करें। सो ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इन लोगों को देख रही हूँ, इनसे हमें देख कर एक मोटिवेशन मिलती है कि ये लोग कितने अच्छे से काम कर रहे हैं एंड किस तरह से ये लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी कंट्री के लिए, आगे आते हैं, हर चीज़ करते हैं जो कि कंट्री के हक में बेहतर हो। सो आप लोग भी ज्वाइन करें फौज और इस तरह से अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाएं। और वो फीमेल्स जो घरों में बैठ के बोलती हैं कि यार हम लोग तो ये हो गए वो हो गए, सो उनके लिए ये बहुत बड़ी एग्जांपल है कि देखें ये लोग भी तो अपनी कंट्री के लिए बाहर आए। और आपको घर में बैठ के अगर इतना कुछ मिल रहा है ना तो यू आर लकी टू बी ऑनेस्टली कि आप लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता, बट फिर भी आपको सोचना चाहिए कि अपनी कंट्री के लिए आप लोगों ने किया क्या है। एंड ये फीमेल्स हमारे लिए रोल मॉडल हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं है कि इनके घरों में कोई इनको कमा कर देने वाला नहीं है, बल्कि ऐसा है कि इनके अंदर एक पैशन है जो कि ये चाहती हैं, और ये पैशन ही इनको आज इतनी मुश्किल कठिन ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर लेकर आता है और फिर यहाँ पर ये लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा।